नमस्कार, मैं डॉक्टर एस एन राय, मानसिक रोग विशेषज्ञ एवं न्यूरोफिजिशियन, एमडी एंड सीनियर रेजिडेंसी फ्रॉम एम्स नई दिल्ली। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन, यानी कि जिसे हिंदी में अवसाद कहते हैं। तो आगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं और कब हम इन लक्षणों को एक मेजर एपिसोड के रूप में डायग्नोज करते हैं और आपको सलाह की ज़रूरत होती है। हम जानेंगे कि डिप्रेशन के क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं और इसके इलाज किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। देखिए, डिप्रेशन एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है। इस बीमारी में आपका मन जरूरत से ज़्यादा उदास रहता है, कई बार बिन अकारण उदास रहता है। आप अकेलापन महसूस करते हैं, आपके आंखों में नमी आ जाती है, तो आप समझिए कि आपको डिप्रेशन हो रहा है। अब देखिए, डिप्रेशन जो है ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। कई बार व्यक्ति और हमारे समाज में अवधारणा है कि डिप्रेशन खुद से नहीं होता है, जो चाहता है उसे ही होता है, जो नहीं चाहेगा उसे डिप्रेशन नहीं होगा। तो देखिए, ये एक सही धारणा नहीं है। डिप्रेशन किसी को भी कभी भी हो सकती है, ये एक बहुत सामान्य बीमारी है। एक कहावत है कि डिप्रेशन इज़ नॉट बाय चॉइस बट द ट्रीटमेंट इज़ बाय चॉइस। तो देखिए, डिप्रेशन जो है हमारे भारत में लगभग 5 से 8% व्यक्ति को होता है। जब मैं इस 5 से 8% की बात करता हूँ तो ये केवल सिर्फ और सिर्फ मेजर एपिसोड और जिसे हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर डिप्रेशन के और प्रकारों को मिला दिया जाए तो ये संख्या और ये प्रतिशत कहीं कहीं ज़्यादा है। ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है और इसके जो लक्षण आगे हम लोग बात करेंगे तो कई बार ये बच्चों, किशोरों और वयस्कों में कुछ लक्षण अलग अलग हो सकते हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। तो आइए जानते हैं कि डिप्रेशन के क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। तो देखिए, डिप्रेशन के आमतौर पे 9 लक्षण पाया जाता है जिसके आधार पे हम उसका डायग्नोसिस करते हैं। इन 9 लक्षणों में से 2 ऐसे लक्षण हैं जो बहुत प्रमुख लक्षण होते हैं और इन दोनों लक्षणों में से एक का होना आवश्यक है जब हम अवसाद का डायग्नोसिस करते हैं। तो जानते हैं कि वो 2 प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं। पहला लक्षण है डिप्रेस्ड मूड, अर्थात मन का उदास होना। आप बहुत ज़्यादा उदासी फील करते हैं, आप अकेलापन महसूस करते हैं, आपके आंखों में अनायास ही आंसू आ जाते हैं, आपका मन कभी कभी चिड़चिड़ा भी रहता है। कई मरीजों में मन उदासी की जगह पे काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। आपको आपके घर वाले, आपके दोस्त आपको चीयरअप करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आपका मन उदासी में ही रहता है और आपका मन ठीक नहीं हो पाता है। अगर हम दूसरे लक्षण की बात करें तो वो है एनहेडोनिया, अर्थात जितने मनोरंजक कार्य जो व्यक्ति करते थे पहले, जिसमें उन्हें बहुत मज़ा आता था, उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि आप उसे पार्टनर के साथ सेक्स करने में, अपने हॉबीज़ में, खेल में, इत्यादि में, ये मज़ा जो है वो काफ़ी कम जाता है, पहले की तरह नहीं आता है या बिल्कुल नहीं आता है। अगर उदाहरण के तौर पे हम समझें तो जैसे कि एक व्यक्ति है जिसे दोस्तों के साथ बैठ के हंसी मजाक करने में बहुत मज़ा आता है, हर शाम वो निकलता है दोस्तों के बीच बैठता है, लेकिन इस उदासी में उसे अब उन्हीं दोस्तों के साथ बैठने में मज़ा नहीं आ रहा है। एक बच्चा है, एक किशोर है, जो कि खेलने में उसे बहुत मज़ा आता है, क्रिकेट खेलने जाता है, जब भी समय मिलता है अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना के जाता है और अब उसे वो जाने का मज़ा नहीं आ रहा है, वो करना नहीं चाहता है। एक गृहिणी है जिसको खाना बनाने में, अपने बच्चों को, अपने मेहमानों को खिलाने में बहुत मज़ा आता है, अब उसे खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो ये सारे जो उदाहरण मैंने दिए हैं ये एक एनहेडोनिया, यानी जो काम हमें पहले बिल्कुल पसंद था, मज़ा आता था, अब वो मुझे करने में पसंद नहीं आ रहा है। तो चलते हैं आगे अन्य लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो 7 अन्य लक्षण जो मैं बात करने वाला हूँ उसमें से पहला लक्षण है
ईजी फटिगेबिलिटी, यानी आपको थकान बहुत ही जल्दी हो जाती है, आप छोटे छोटे कार्यों में थक जाते हैं जिसे पहले आसानी से कर लिया करते थे और अभी उन्हीं कामों को करने में बहुत आप थकान महसूस करते हैं। दूसरे लक्षणों की बात करें तो आप में नींद की समस्या हो सकती है और आप नींद आप में या तो आपको नींद आ नहीं रही है या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोने लगे हैं। कई बार व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा भी सोने लगता है। भूख ना लगे, आप में भूख की कमी हो जाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। आपको किसी प्रकार का भी खाना खाने में मन नहीं लगता है। कई लोगों में यह पाया गया है कि कुछ पर्टिकुलर खाद्य पदार्थों के लिए उनकी इच्छाएं काफ़ी बढ़ जाती है। उदाहरण स्वरूप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स जो होते हैं जिनमें चीनी की मात्रा और इत्यादि बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए पिज्ज़ा, बर्गर या फिर चॉकलेट्स की इच्छा काफ़ी बढ़ जाती है और ऐसे लोगों में कई बार वज़न भी बढ़ जाता है। तो अगर चौथे अन्य लक्षणों की बात करें तो इसमें है कि व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा था पहले किशोर, वो अब पढ़ाई नहीं कर पाता है, उसका ध्यान केंद्रित नहीं रह पाता है। आप महसूस करेंगे कि आप चीज़ें भूल रहे हैं, आप याद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक प्रमुख लक्षण है उदासी की। कई बार व्यक्ति अपने आप को बेकार समझने लगता है, अपने घर वालों के ऊपर बोझ समझता है, अपने आप को घर वालों के परेशानियों के लिए दोषी मानता है, अपने पास्ट के फेलियर्स के लिए भी अपने आप को दोषी मानता है और ये कई बार तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक साइकोसिस का रूप भी धारण कर लेता है। अगर अन्य लक्षणों की बात करें तो पांचवा जो लक्षण है वो है सुइसाइड, यानी आत्महत्या के विचार। व्यक्ति मरने के बारे में सोचने लगता है, सुइसाइड की भावना, आत्महत्या की भावना बार बार उनके उसके मन में आती है और वो उस विचारों पे कई बार उसका पालन भी करता है, आत्महत्या करने की कोशिश भी कर सकता है। तो देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है उदासी के व्यक्ति में, हमें इसे बिल्कुल कम नहीं आंकना चाहिए। कई बार घर वालों को लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता है। यदि मरीज के मन में सुसाइड की भावना आ रही है तो उसे घर वालों और अपने नज़दीकी लोगों को अवश्य बताना चाहिए, ये शेयर करने से भी कम जाता है। और यदि घर वालों को मरीज बताता है या कई बार इस प्रकार की बातें करता है तो उसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेनी चाहिए, तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के और मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होता है और इसमें कई बार हम लोग मरीज को भर्ती करते हैं क्योंकि ये जान के नुकसान की बात है। जो अंतिम सातवां लक्षण हम बात करेंगे वो है कि व्यक्ति में सोचने, काम करने और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं में काफ़ी कमी आ जाती है। व्यक्ति बहुत स्लो महसूस करता है और स्लो और दिखता भी है। अगर बात करें तो वो हर कार्य बहुत स्लो करता है, कभी कभी उसे तो ऐसा लगता है कि उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है और वो सोच नहीं पा रहा है, उसका दिमाग चल नहीं पा रहा है। तो ये हुए दो प्रमुख लक्षण जो हमने अभी बात किया, जिसमें से एक का होना ज़रूरी है और अन्य सात लक्षणों का हमने अभी जिक्र किया। इसके अलावे डिप्रेशन के मरीज में अत्यधिक चिंता, घबराहट हो सकती है, मरीज को शारीरिक दर्द जैसे बैक पेन हो सकता है, कई व्यक्ति और मरीजों को गैस बनने लगता है, सर में दर्द होने लगता है और यदि जांच के द्वारा ये पाया जाता है कि इन कारणों के लिए कोई अन्य शारीरिक समस्याएं नहीं हैं तो ये भी डिप्रेशन के मरीज में प्रायः पाए जाते हैं। वैसे इन लक्षणों का डायग्नोसिस से कोई लेना देना नहीं है। तो डायग्नोसिस हम दो महत्वपूर्ण लक्षण और जो सात लक्षण हैं उसके आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं। तो आगे हम जानते हैं कि कब हम एक डिप्रेशन के मरीज़ में मेजर एपिसोड का डायग्नोसिस करते हैं। तो देखिए, अगर कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो उसमें यदि कम से कम पांच लक्षण होने चाहिए और इन पांच लक्षणों में से कम एक लक्षण जो दो महत्वपूर्ण लक्षण हैं, अर्थात डिप्रेस्ड मूड यानी मन का उदासी होना और एनहेडोनिया यानी किसी भी कार्यों में जो मनोरंजक कार्य हैं उसमें मन नहीं लगना, इनमें से एक का होना होता है और बाकी के साथ में से चार लक्षण अगर मरीज में हैं तो हम एक मेजर एपिसोड का डायग्नोसिस करते हैं। और इन लक्षणों के कारण व्यक्ति में उसके व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
तो हम मरीज को सलाह की आवश्यकता है ऐसा प्रेरित करते हैं। और यदि आप में ऐसा है तो आप नज़दीकी मनोचिकित्सक या किसी भी फिजिशियन से भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि किसी व्यक्ति में डिप्रेशन के क्या क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो देखिए, डिप्रेशन जो है वो उसके जो कारण होते हैं वो हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं, यानी इसके कई कारण होते हैं और ये कारण जो है कई डोमेन में हम इसे समझ सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, सोशल कारण हो सकते हैं। ये जो डिप्रेशन के जो कारण हैं ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से हो सकते हैं या कई बार ये एक दूसरे के कारणों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यदि हमें कारणों के बारे में समझना है तो हम अगले 7 बिंदुओं में डिप्रेशन के कारण को समझेंगे। देखिए, ये जो हमारे जो मरीज आते हैं, जो अभिभावक आते हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब, जांच में तो कुछ आया नहीं, तो फिर डिप्रेशन का कारण क्या होता है। तो चलिए इन 7 बिंदुओं में हम समझते हैं कि डिप्रेशन के क्या क्या कारण होते हैं। तो पहला कारण है जेनेटिक कारण हो सकता है, यानी अनुवांशिक कारण हो सकता है। तो देखिए, यदि आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन की परेशानी है, जैसे कि माता पिता, भाई बहन या उनके भाई बहन को है, तो आपको डिप्रेशन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। शोध के द्वारा, खोजों के द्वारा ये पता लगाया गया है कि कई जीन्स जो हमारे में अवसाद के लिए उत्तरदायी होते हैं और इन जीनों का ये मिला जुला रूप होता है जो हमारे में डिप्रेशन के रूप में पाया जाता है। तो दूसरा जो बिंदु है, जो कारणों को हम सम्मिलित कर सकते हैं, वो है बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, यानी प्रसव के पहले या प्रसव के दौरान या प्रसव के उपरांत कई बार बच्चों में कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे कि बच्चे का जो बर्थ वेट होता है वो वज़न काफ़ी कम होता है, या फिर समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, कई बार ब्रेन में चोट आ जाता है प्रसव के दौरान। तो इन सब कारणों के द्वारा, या फिर कई बार उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन जिसमें से कॉमन है, तो फिर उनको डिप्रेशन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तीसरे बिंदु की बात करें तो उसमें है कि अगर व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक लंबी बीमारी है, जिसे क्रॉनिक फिजिकल इलनेस कहते हैं, जैसे कि थायराइड की बीमारी हो गई या फिर डायबिटीज़ हो गया या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे लोगों में डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। कई बार क्रॉनिक इलनेस में दिए जाने वाले कुछ दवाओं से भी डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप किसी प्रकार का ड्रग्स का यूज करते हैं, नशा का यूज करते हैं, तो उससे भी डिप्रेशन की संभावना बढ़ती है। तो अगर हम आगे बात करें तो चौथे जो कारणों का समूह है उसे हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन में, यानी बचपन में, चाइल्डहुड में अगर किसी प्रकार का स्ट्रेस रहता है तो भी व्यक्ति में डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि चाइल्डहुड अब्यूज़ या फिर माता पिता का, खास करके माता का जो है वो निधन हो गया हो अर्ली चाइल्डहुड में, या माता का उचित प्यार ना मिला हो, तो भी व्यक्ति को डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। अन्य कारणों की बात करें तो इसमें साइकोलॉजिकल या फिर पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स जिसे हम कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति में किसी एक खास प्रकार का जो ट्रेट होता है अगर उसकी अत्यधिक मात्रा होती है, तो भी वैसे व्यक्ति में डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ती है। जैसे कि न्यूरोटिसिज्म एक टर्म है जिसमें कि न्यूरोटिक ट्रेट्स जो हैं वो अगर ज़्यादा होते हैं तो डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको अपने जीवन में कई सारे तनावों का सामना करना पड़ता है, या जैसे कि आप उदाहरण के ले सकते हैं, आपके किसी परिजन का निधन हो जाता है या फिर आपको कोई बड़ा लॉस होता है, तो भी उस समय डिप्रेशन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो देखिए, अंत में जिसकी बात मैं करने वाला हूँ कारण के बारे में, वो एक महत्वपूर्ण कारण है और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी है जो अभिभावक या मरीज पूछते हैं। इन सारे कारणों को बताने के बाद भी मरीज या गार्जियन ये पूछे कि ठीक है डॉक्टर साहब, ये सब कारण तो ठीक है, बट ये दिमाग की परेशानी है, ब्रेन का दिक्कत है, तो ऐसा ब्रेन में क्या होता है जिसके बाद हमें ये बीमारी हो जाती है। तो देखिए, ब्रेन में उदासी के समय या उदासी के मरीज में कुछ परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन पूर्णतः स्वतंत्र रूप से भी हो सकता है, या फिर जो ऊपर हमने कुछ अभी कारणों के बारे में जिक्र किया है उन सभी कारणों के मिले जुले परिणाम के रूप में भी ये हो सकता है। तो देखिए, ब्रेन में जो महत्वपूर्ण
जो परिवर्तन है जो देखा गया है कि डिप्रेशन के मरीज में होते हैं, तो ऐसा पाया गया है कि ब्रेन के बहुत सारे लोब्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, और उन रीजन्स में अगर हम बात करें तो जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया और लोकस सेरुलियस हो गया, इत्यादि इत्यादि वो पार्ट्स के ब्रेन के रीजन के नाम हैं, और उनकी जो वॉल्यूम है वो और उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो कम जाती है, जिससे कि व्यक्ति में ये जो डिप्रेशन के लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। साथ ही अगर हम मॉलिकुलर लेवल पे बात करें तो उसमें क्या होता है कि इन जो पर्टिकुलर लोब्स होते हैं जो जिसकी एक्टिविटी कम गई है, वहाँ पे पाए जाने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसे हम ब्रेन केमिकल कह सकते हैं, वो उसकी मात्रा कम जाती है, उसके लेवल्स कम जाते हैं, और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनमें कि इसकी मात्रा कमती है वो हैं प्रमुखता से जैसे सेरोटोनिन हो गए, नॉरपिनेफ्रीन हो गए, डोपामाइन एंड गाबा, ये सब प्रायः इनका जो लेवल होता है वो कम जाता है। साथ ही कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे कि ग्लूटामेट इत्यादि, इसके लेवल्स कई लोब्स में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब इनके घटने और कम होने से एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस भी करते हैं, और ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसके बाद एक जो फाइनल परिणाम के रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि मरीज को डिप्रेशन हो गया है। अब देखिए, इसका कोई क्लिनिकल टेस्ट नहीं है कि हम कोई टेस्ट लिखें और उसमें ये पता चल जाए, ये एक शोध का परिणाम है जो कि इन मरीजों पर किया गया है। इसके कोई अभी क्लिनिकल टेस्ट्स नहीं होते हैं, ये डिप्रेशन की जो बीमारी है पूर्णतः जो है हम हिस्ट्री व्यक्ति से बात करके ही इसका डायग्नोसिस करते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं कि अगर हमने डिप्रेशन का डायग्नोसिस किया है तो फिर इसके इलाज किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अगर डिप्रेशन के मरीज में इलाज की बात करें तो प्रारंभिक समय में व्यक्ति जब हमारे पास आता है तो हम कुछ जांच करते हैं या पहले से ही वो जांच करा के आते हैं, और अगर उसमें कोई ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम या कुछ नहीं आता है तो फिर हिस्ट्री के आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं, और व्यक्ति को डायग्नोसिस के बाद जो इलाज है वो हम दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं। एक जो है कि दवाओं के द्वारा या फार्मेकोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, दूसरा है साइकोथेरेपी यानी मनोचिकित्सा पद्धति के द्वारा भी दिया जाता है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को दवाओं की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को माइल्ड डिप्रेशन है तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मनोचिकित्सा पद्धति के द्वारा हो सकता है और वो व्यक्ति उससे डिप्रेशन से बाहर आ सकता है, उसमें दवा की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को मॉडरेट डिप्रेशन है या फिर सीवियर डिप्रेशन है तो उसमें दवाएं दी जाती हैं। इवन सीवियर डिप्रेशन में दवाओं का ही रोल प्रमुखता से होता है। अगर किसी व्यक्ति को सीवियर डिप्रेशन है और उसके साथ साइकोसिस है, जो कि हम बात करेंगे कि साइकोसिस पे हम एक नई वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप जानेंगे कि साइकोसिस क्या होता है। तो कई बार डिप्रेशन के मरीज में भी साइकोसिस यानी पागलपन के कुछ लक्षण आ जाते हैं, तो उस अवस्था में जो दवाई ही एक प्रमुख रोल होता है। बाद में साइकोथेरेपी दी जा सकती है जब मरीज में कुछ सुधार होता है। मॉडरेट डिप्रेशन में दोनों का मिलाजुला रूप बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो जब अगर हम बात करें कि किस प्रकार की दवाएं इस्तेमाल होती हैं, तो देखिए, डिप्रेशन में जो दवाएं इस्तेमाल होती है उसे एंटी डिप्रेशन कहते हैं, और इसके कई प्रकार के क्लासेस हैं जो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आधारित होता है, यानी कि वो जो हमने पहले कारणों में बात किया है, जो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन इत्यादि की जो बात करी है, उसके आधार पे इनका नामांकन किया गया है। ये उन न्यूरोट्रांसमीटर को दवाइयाँ इन्फ्लुएंस करती है। तो उन प्रमुख जो प्रकार हैं जैसे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, इसे साराइज कहते हैं, नाराइज ग्रुप का होता है, जो एसएनआरआई ग्रुप का एंटी डिप्रेशेंट होता है। तो ये बहुत प्रकार की एंटी डिप्रेशेंट हैं, इसमें से जो डॉक्टर हैं आपके कुछ मेडिसिन जो सेलेक्ट करेंगे उन कैटेगरीज में से, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल जो वेरिएशंस जो इंडिविजुअल मरीज में देना होता है उसके आधार पे करते हैं और फिर आपको इलाज देते हैं। अगर हम साइकोथेरेपी यानी मनोचिकित्सा पद्धति की बात करें तो देखिए, बहुत सारे प्रकार की साइकोथेरेपी होती है। एक प्लेन काउंसलिंग भी होती है या साइको एजुकेशन, यानी हम आपको बीमारियों के बारे में या इत्यादि के बारे में बताते हैं। अन्य अगर हम साइकोथेरेपी की जो बात करें तो उसमें से जैसे बिहेवियर थेरेपी एक होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी होता है और इंटरपर्सनल मैरिटल थेरेपी होता है। तो अगर हम प्रमुखता से बात करें कि जो सबसे ज़्यादा
कॉमनली यूज होता है ये साइकोथेरेपी में, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है। देखिए नाम में ही प्रलक्षित है, कॉग्निटिव मीन्स होता है कि आपके अंदर जो विचार, बिहेवियर मीन्स जो उन विचारों और उसके अलावे जो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, तो विचार और व्यवहार में परिवर्तन होने की वजह से डिप्रेशन के जो लक्षण आते हैं। तो इस थेरेपी में समानतया जो दोनों पे फोकस किया जाता है, यानी विचारों पे और व्यवहार पे। तो डिप्रेशन के मरीज में ऐसे देखा गया है कि त्रुटिपूर्ण विचार अपने आप बनते रहते हैं डिप्रेशन के मरीज में, जिसे हम कॉग्निटिव एरर कहते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट या फिर आपके मनोचिकित्सक यदि आपको सीबीटी देते हैं, तो वो आपसे बातों के द्वारा उन जो त्रुटिपूर्ण विचार है जो बार बार आता है उसकी पहचान करते हैं, और फिर उसके आधार पे आप में आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, जो त्रुटि है, उसको पहचान करते हैं, और फिर उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं, आपको टास्क देते हैं, आपके साथ बैठ के डिस्कस विचार करते हैं, और फिर वो एक फॉर्मल स्टेप्स होते हैं। ये कई वीक का एक प्रोसेस होता है, वीक में कई बार 3-4 बार 2 बार इस प्रकार से आपको विजिट करना पड़ता है, तो आप इस थेरेपी का लुफ्त उठा सकते हैं। अन्य थेरेपियों के बारे में डिटेल में डिस्कशन हम कभी और करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने डिप्रेशन से जुड़े कई बातों के बारे में जाने। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।